नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, क्या बोला है? हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7? तीन डिजिट का नंबर बताना है जो किससे डिवाइड हो जाए, 7 से डिवाइड हो जाए। देखो तीन डिजिट का नंबर होते कहां से हैं? स्टार्ट 100 से, फिर आएगा 101, फिर 102, फिर 103, 104, 105, बस बहुत इतने। डैश 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 और खत्म कहां होंगे? 999 पे। बोलो ठीक। अब मुझे पता लगाना है ये इन सब नंबरों में से कितने नंबर हैं ऐसे जो 7 से डिवाइड हो जाएंगे। हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 7? तो आपको पहले ढूंढना तो पड़ेगा कौन कौन से नंबर 7 से डिवाइड होंगे। बताओ 100 7 से डिवाइड हो जाएगा? नहीं होगा। करके देख लो, करके देखते लो। 7 बन जा, 7 कितने बजे? 3 0 7 4 28, देखो नहीं हो रहा। ना ही ये होगा, ना ही ये, ना ही ये, ना ही ये हो जाएगा। करके देख सकते हो आप, 105 को 7 से डिवाइड, 7 बन जा, 7 कितने बचे? 3, 5 उतारा, 7 5 जा 35, तो कट गया पूरा। तो ये वाला नंबर सबसे पहला है, तीन डिजिट का नंबर जो 7 से डिवाइड हो रहा है, ठीक। और ऐसे ही मुझे देखो, आप या तो बारी बारी से डिवाइड करके देखो, ठीक। एक मेथड तो ये है, दूसरा मेथड अभी बताऊंगा। और ऐसे ही पीछे से कौन सा नंबर 7 से डिवाइड होगा? देखो 9999 को करना डिवाइड, ये हो रहा है 7 से डिवाइड। 7 बन जा, 7 कितने बचे? 2, फिर 9 उतारा, 7 4 जा 28 कितने बचे? 1, फिर 9 उतारा, 7 2 जा 14, देखो नहीं हो रहा डिवाइड। ना ही ये होने का डिवाइड, इससे पहले कौन सा नंबर आएगा? ये भी नहीं होगा। 99 किसकी फिर क्या आएगा? 7, ये भी नहीं होगा 7 से डिवाइड। 996 भी नहीं होगा, 995 भी नहीं होगा, 994 होगा 7 से डिवाइड, ठीक। एक तरीका तो ये, आप बार बार सारे नंबर को इधर से पीछे डिवाइड करके देखो, इधर से आगे से। एक तरीका तो ये ढूंढने का कि आपको फर्स्ट नंबर कौन सा डिवाइड होगा 7 से और लास्ट में कौन सा होगा। अब 105 के बाद कौन सा नंबर होगा जो 7 से डिवाइड होगा? आप 105 में 7 जोड़ दो, क्योंकि 7 का टेबल चलेगा एक तरीके से। अगला नंबर होगा 112, उसके बाद कौन होगा नंबर 7 से डिवाइड? फिर 7 ऐड कर दो, 119, आपकी बन जाएगी एपी, ठीक। अगर आपको ये वाला मेथड हार्ड लगता है, कौन सा वाला, कि ऐसे बार बार डिवाइड करके देखना पड़ेगा, ठीक है, तो मैं आपको इजी मेथड बताता हूँ, देखो कैसे। कुछ बच्चों को ये वाला इजी लगता है, कुछ को वाला, देखो कैसे। आप एक काम करो, आप 100 से स्टार्ट होते हैं नंबर, कहाँ खत्म होते हैं? 999 पे खत्म होते हैं। आप 100 को 7 से डिवाइड करो, करो कितना आएगा? 7 बन जा, 7 कितना बजा? 3, फिर उतार लिया 0, 7 4 जा 28 कितना बजा? 2, 2 मेरा आ गया यहाँ पे रिमाइंडर। देखो डिवाइड होने का मतलब होता है कि रिमाइंडर क्या आ जाए, 0 आ जाए। अगर आप यहाँ 2 ना बचता, क्या ना बचता? 2, तो डिवाइड हो जाता। अगर 2 नहीं बचता तो ये नंबर 2 से छोटा होता, मतलब इसमें 2 कम होते इस नंबर में। 100 माइनस 2 तो 98 हो जाता है 7 से डिवाइड। लेकिन ये तो 2 डिजिट का हो गया, मुझे तो आगे जाना है 3 डिजिट पे, तो इसमें मैं कितना बढ़ा दूं कि ये 7 से डिवाइड हो जाए? इसकी जगह अगर मैं 5 कर दूं, यहाँ क्या कर दूं? 5 नहीं कर दूं, मतलब 2 में 5 जोड़ दूं, तो कितना हो गया? 7, फिर 7 तो हो जाएगा 7 से डिवाइड। यानी कि आपको इस 100 में कितना ऐड कर देना है? 100 में ऐड कर देना आपको 5, 105 नंबर ऐसा है जो 7 से डिवाइड होगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप 2 माइनस करोगे तो आप पहुंच जाओगे 2 डिजिट पे, आपको आगे जाना पड़ेगा ताकि 3 डिजिट का नंबर बना रहे। अब आगे का नंबर तो पता लग गया आपको, पीछे का नंबर कैसे पता लगाओगे? देखो 999 है ना, इसे 7 से डिवाइड करो, 7 बन जा, 7 कितना आएगा? 2, फिर 9 उतारा, 7 4 जा 28, फिर कितना आया? 1, फिर 9 आगे नीचे, 7 2 जा 14 कितना बचा? 5। अब यहाँ पे भी दो ऑप्शन है, या तो 5 कम कर दो, या इसे 7 बनाने के लिए 2 जोड़ दो। अगर आपने इसमें 2 जोड़े, जोड़ना इसमें 2, 999 में अगर आप 2 जोड़ोगे तो 4 डिजिट पे ना पहुंच गए, मगर बल्कि मुझे तो बोला था सिर्फ 3 डिजिट के नंबर ही बताने हैं, तो इस पे तो मैं जाऊंगा नहीं, इस बार मैं प्लस नहीं करूंगा, क्या करूंगा इस बार? माइनस। यानी कि आप 5 बचे ही ना, ऐसा सोचो 5 नहीं बचेगा मतलब यहाँ पे रिमाइंडर होना चाहिए, 5 की जगह पे क्या होना चाहिए? 0। वो कब होगा? जब इसमें से 5 क्या हो जाए? कम हो जाए। यानी कि 9999 में से 5 कर देंगे कम, तो कितना बचेगा? तो स्टार्टिंग में नंबर जो 7 से डिवाइड होगा वो होगा 105, और लास्ट में कौन सा होगा? 994। ऐसे भी कर सकते हो, वरना फिर अगर आपको ये हार्ड लग रहा है मेथड, तो लगातार करके देखो, कोई ना कोई नंबर डिवाइड हो जाएगा 2-4 नंबरों के बाद, ठीक है। और ऐसे ही पीछे से भी, तो मुझे मिल गया है, मेरी एपी स्टार्ट हो रही है 105 से और खत्म हो रही है किस पे? 994 पे। तो मेरी एपी क्या बनी है? एपी बनी है मेरी 105, फिर इसमें बार बार 7 ऐड कर दो, अगली टर्म क्या आएगी? 7 ऐड करो, 112, अगली टर्म 119, बार बार 7 ऐड कर दो, आपकी एपी बन जाएगी। और हमारी लास्ट टर्म मैंने निकाली थी, क्या आई थी? 994। बोलो ठीक। आपको पता ही है शुरू वाली होती है फर्स्ट टर्म,
और डी क्या है यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितने का चल रहा है, देखो सात के तो गैप चल रहा है ठीक। अब ये क्या आपकी लास्ट टर्म है, क्या है लास्ट टर्म का फॉर्मूला लगाओ यहाँ पे और नंबर ऑफ टर्म निकाल लो, एन निकाल लो, क्योंकि इसमें यही बोला है हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर ऐसे कौन से होंगे कितने होंगे ठीक। तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, लास्ट टर्म का फॉर्मूला ये होता है 994। अब देखो ए की वैल्यू कितनी यहाँ पे 105, एन माइनस वन, डी की वैल्यू कितनी यहाँ पे 7, बोलो ठीक। अब ये प्लस का नंबर उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, अगले स्टेप में करेंगे 994 में से माइनस कितना 105, माइनस कर दो इसे कितना बचेगा बताओ, 4 में से 5 तो घटेंगे नहीं, इधर घटा के दिखाता हूं आप लोगों को 105, 14 में से 5 गए 9, यहां ए पे 8 और यहां पे 8, 889 बचा, कितना बचा 889। अब ये 7 मल्टीप्लाई में ना कहां जाएगा डिवाइड में, तो यहां पे क्या बचा बस यही तो बचा n माइनस 1, 7 से कट करो 7 बन जा 7, कितना बचा एक, एक और एट 18, एस 7 टू जा 14 और 7 जा 49, तो n माइनस 1 कितना आ गया 127, माइनस का उधर जाएगा तो प्लस 127 प्लस 1 कितना आ गया 128। यानी कि यानी कि थ्री डिजिट के नंबर्स जो 7 से डिवाइड होंगे वो कितने नंबर है 128 नंबर ऐसे जो 7 से डिवाइड हो जाएंगे, क्लियर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।